एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसके लिए आपके पास राइट हैंड और राइट हैंड की फिंगर्स का कर्ल, यानी कि किधर फिंगर कर्ल करती हैं, इससे आपको देखना पड़ेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा अगर वेरी स्मॉल है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सफिशियंटली लार्ज है या सफिशियंट है तो वो क्या होगा, यस, तो वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होगा। चलिए मैं फिर से आपको इसको एक नए पेज पे लेके बताता हूं जहां से आपको समझना ज्यादा आसान होगा। ध्यान से देखिए कि जैसे ये एक सर्किल है, मान लीजिए एक सर्किल है और इस सर्किल में पार्टिकल की पोजीशन है, यहां पर ये सेंटर है, इस सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल अपना ए पॉइंट पर है और इस पाथ को ट्रैवल करता हुआ वो यहां से इस पॉइंट पे पहुंचता है और ये इसका फाइनल पोजीशन है एंड दैट इज सपोज टू बी बी। ओके, कितने टाइम में हुआ है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया है। अब आप इस पोजीशन वेक्टर को देखेंगे कि ये पोजीशन वेक्टर, ये आर वेक्टर था, वो आर वेक्टर अब इधर हो गया है, यानी वेक्टर चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन जरूर चेंज हुई है। अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको, बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर आप डेल्टा थीटा कह रहे हैं, सो दिस इज एक्चुअली नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट बच्चों, इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड इफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। सभी लोग अपनी कॉपी में डबल स्टार बना के लिखिए कि अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, देन डेफिनेटली कैसा होगा ये, राइट, वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे आपने देखा कि यहां पर ये ओ है और किसी पार्टिकल का ये पोजीशन वेक्टर है जिसको आप वेक्टर आर कह रहे हैं, और ये पोजीशन वेक्टर अगर थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, राइट, ये तो ये वेरी स्मॉल रोटेशन हुआ जिसको हम लोग डी थीटा और उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, राइट। तो सभी लोग अपनी कॉपी में डबल स्टार बना के लिखें, अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन डेफिनेटली इट मस्ट हैव अ डायरेक्शन, अगर इसके पास डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, राइट हैंड देखेंगे, राइट हैंड से जिस डायरेक्शन में वो घूमा है, रोटेट हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है, एंगुलर मूव किया है, ये सेंस ऑफ रोटेशन, ध्यान रखना बच्चों, ये डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन नहीं कहलाती है, राइट, ये क्या है, इसको कहा जाता है सेंस ऑफ रोटेशन, दिस इज नोन एज सेंस ऑफ रोटेशन। और सेंस ऑफ रोटेशन में भी दो तरह के होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी घड़ी की सुई घूमती है, आपको पता है कि आपके क्लॉक की घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो इस रोटेशन को क्या बोला जाएगा बच्चों, इस रोटेशन को बोला जाएगा क्लॉकवाइज, राइट। ध्यान दें, थोड़ा सा यहां पे अलग हुआ है तो मैं फिर से यहां पे लिखता हूं बच्चों, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज, एवरीबडी शुड नोट इन योर कॉपी, दिस इज नोन एज द क्लॉकवाइज, और इसका जो रिवर्स होगा दैट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन, क्लॉकवाइज एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज। बट व्हाट इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड को देखना पड़ेगा, राइट हैंड आप यहां रखेंगे जिधर आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी, ध्यान रखें जिधर फिंगर्स कर्ल हो रही होंगी उस डायरेक्शन में थीटा बनना चाहिए, यानी उस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर रोटेट होना चाहिए, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पर जो रोटेशन हुआ है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, कैन एनीबडी टेल मी, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और उसके लिए आप राइट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर कर्ल करेंगे, थंब आपका आउटवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, तो इस डी थीटा की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डॉट से, राइट, आउटवर्ड को डॉट से डिनोट किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होता है तो वो अप्रोक्सीमेशन में रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर लेता है, लेकिन अगर सफिशियंट लार्ज, जैसे 10 डिग्री का हो,
हाँ 15 डिग्री हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब सफिशिएंट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं, ये रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं और इस वजह से बच्चों ये स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वेरी स्मॉल का मतलब अप टू 5 डिग्री, राइट 5 डिग्री तक हम अप्रोक्सीमेशन में रूल्स ऑफ वैक्टर एडिशन को फॉलो कर लेते हैं ये, और इस वजह से इनको बोला जाता है ये एक वैक्टर क्वांटिटी है, राइट right? तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड होगा, अगर ऐसा हो कि कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को डी थीटा को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल बोलेंगे, और इसके लिए फिंगर्स आप ऐसे कर्ल करेंगे, जब ऐसे कर्ल करेंगे तो ये किधर होगा, इनवर्ट, इनवर्ट को शो किया जाता है क्रॉस से, तो ये वाला डायरेक्शन क्रॉस हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ और चीजें जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो देखिए यहां पर भी शो की गई हैं। यहां डी थीटा या डेल्टा थीटा कहा गया है, इसको स्मॉल राइट, इसको डी थीटा भी बोलते हैं और ये डेल्टा बना हुआ है, डेल्टा थीटा भी, यहां वेक्टर लगा है तो इसको वेक्टर बोलते हैं, और डायरेक्शन ऐसे देखो थंब को, ऐसे कहा गया ये है आपका राइट हैंड, ध्यान रखिए इट मस्ट बी राइट हैंड, राइट हैंड होना चाहिए, राइट हैंड को आपने ऐसे किया और इस तरह से कर्ल किया, डायरेक्शन ऊपर आ गई, तो ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी डी थीटा की। आई होप आप सारे लोग समझ रहे होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सफिशियंट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर से यहां से देखिए कि ये यहां से पहुंचा है तो इसका ये थीटा वन हो गया है, पहले था वो थीटा टू था, थीटा टू से थीटा वन, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको हम डेल्टा थीटा बोलेंगे एंड दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आप सभी लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे।